के मोतियों की खेती से कैसे आप कम जगह में इसका आमदनी ले सकते हैं बहुत मोटी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बाड़ा है जिसे आम हरियाणवी भाषा में बोला जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतियों की खेती हो रही है। तो आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे कि ये खेती होती कैसे है, कितना खर्चा आता है, कैसे आप कम जगह में कम पैसा लगा के इस धंधे को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हम गांव में पहुंचे हैं, इसको आप अपने गांव में अपने घर बैठे आराम से ऐसी जगह से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर जी नमस्कार, राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी। सर छोटा सा परिचय दें अपना। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है जी। जी मैं रहने वाला गांव बुहावी का हूँ जी। जी जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। जी जी तहसील बबैन है जी। जी और हल्का लाडवा है जी। जी तो सर हीरे मोतियों की खेती कैसे हो सकती है सर? ये सर सीप के द्वारा होती है सर जी। जी सीप एक समुद्र का जीव होता है। ये समुद्र का जीव है सर? जी सर जी। जी ये सुच्चा मोती जिसको बोलते हैं सर जी। जी सुच्चा मोती, सुच्चा मोती सर वो मोती है जी। जी तो ये इसके अंदर तैयार होती है जी। हाँ सीप के अंदर तैयार होता है सर। इसके अंदर इतने सुंदर मोती कैसे तैयार हो रहे हैं हमारी जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं ज्वेलरी में? ये वही वाले हैं ना जी? हाँ ये सुच्चा मोती वही है जी। पहले जी। जैसे बोल देते थे समुद्रों में मोती मिलता है जी। अब जी। ये सीप का हमने अपने घर पे फार्म खोल कर पालन शुरू कर दिया है जी। इस पालन के द्वारा हम मोती की पैदावार ले रहे हैं जी। जी तो ये सीप के अंदर वाला हिस्सा है जी? जी हाँ ये अंदर वाला है, देखो अंदर से ऐसा ही मोती होता है जी। इसी जी। प्रकार से ये डिजाइनर पर्ल बोलते हैं जिसको, डिजाइनर मोती आज के टाइम में बहुत बड़ी डिमांड है। अच्छा इसकी बहुत बड़ी डिमांड है जी। हाँ ये डिजाइनर पर्ल जो है ये इंडिया के सीप में ही बनता है। अच्छा ये डिजाइनर पर्ल जो है ये इंडिया के सीप में बनता है, अन्य मोती तो बनाने वाली अन्य स्थाई कंट्री है जी, लेकिन डिजाइनर इंडिया में ही बनता है। डिजाइनर जो बनेगा इंडिया के सीप में ही बनेगा। ये क्या है जी इसके अंदर? ये बाबा गुरु नानक जी की फोटो है जी। और ये क्या है जी? ये माता दुर्गा की फोटो है जी। अच्छा ये इसमें से निकालेंगे आप अभी? जी हाँ ये कटिंग आगे का काम, वो तो कारीगर का काम है, कटिंग होती है बाद में। अच्छा कटिंग लोकेट रूप में आ जाएगा जी, लोकेट बनता है ना जी। जी लोकेट रूप में आ जाएगा। ये अल्लाह है जी, ये अल्लाह है देखिए सर जी। जी ये और ये डिजाइन क्रॉस का है जी। जी मेरे पास सभी धर्मों के हर प्रकार का मोती मिल जाता है, हर प्रकार के मोती का। अब बताओ सर ये तो हमने आपके मोती देखे जी। हाँ। अब इसकी खेती होती कैसे है डिटेल में आप हमें वो दिखाओ सर जी। जी सर आ जी। जी आइए फार्म में आपको लेके आए हैं। आइए सर तो बिल्कुल आइए आपको दिखाते हैं कि इनकी खेती कैसी होती है। तो ये देखिए पूरे का पूरा ये फार्म है, ये देखिए जी, ये देखो जी। लाइक और शेयर जरूर करें सभी साथियों से। इस देख सकते हैं ये 25x30 का एरिया है ना जी? जी हाँ 25x30 का है जी। इसको जी। हमने देखो जैसे समुद्र में नेचुरल होता है जी, जी। उसी तरीके से नेचुरल बना दिया है यहाँ सिस्टम। नेचुरल कैसे बनाया सर आपने ये? इसमें जो एल्गी है जी जी, एल्गी है ये हमने खाना डाल के बनाई है, जैसे कैल्शियम वगैरह डलता है जी, जो जी। सीप का खाना होता है, भोजन होता है, उससे ये एल्गी तैयार हो जाती है जी। जब ये एल्गी तैयार हो गई तो समझो अपना पालन चल गया जी। तो मतलब ये इसका भोजन है जी? हाँ ये एल्गी इसका भोजन है जी। हाँ जो पानी के अंदर लिक्विड एल्गी है वही सीप भोजन के रूप में खाती है जी। जी तो सर मैं ये जो देख पा रहा हूँ ये पानी ऐसे क्यों चल रहा है सर? ये पानी हमने ऑक्सीजन के लिए सर्कुलेशन कर रखा है जी। अच्छा ऑक्सीजन के लिए सर्कुलेशन कर रखा है जी। हाँ जी जी ये भी जरूरी है सर ताकि इनको सबको खाना भी मिलता रहे जी, और जी। साथ में पानी भी ऑक्सीलेशन होता रहे, इससे हमारे दो कार्य हो जाएंगे जी। खाना भी रनिंग, पानी भी रनिंग रहेगा, और रनिंग पानी होगा तो खराब भी नहीं होता आसानी से। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा जी सर, कि जीव के अंदर आप जीव को आपने जाली के अंदर बंद कर रखा है, जाली को आप इसके अंदर रखते हैं जी। तो सर ये जीव मरता नहीं है? नहीं मरेगा जी। इसमें जीव को हमने देखो एकदम से सेलेक्ट कर दिया। अगर जीव एक ऐसी चीज है, अगर इसको हम बार बार छेड़ते रहते हैं तो फिर ये मोती बनाने में दिक्कत आती है जी। जी डिस्टर्ब होता है जी। देखिए सर जैसे मान लो अब बीच में हम चेक करना चाहें तो जब मर्जी चेक कर सकते हैं, कोई पीस अगर डेड हो जाता है उससे हमारे को आगे के प्लांट की पूरे की सिचुएशन पता लग जाती है जी। जी किस तरीके से हमारा मोती तैयार हो रहा है। ये भी जीव, ये जिंदा है? ये जीव के अंदर मोती है, ये शिवलिंग बनाया है जीव ने। अच्छा ये शिवलिंग है। ये चरण पादुकाएं हैं? चरण पादुकाएं जी। हाँ जी जी देखिए सर ये जीव बना रहा है खुद। हाँ जी हाँ जीव ने तैयार किया है ये। बहुत बढ़िया, ये देखो भाई रैम्बो में शिवलिंग है जी, चरण पादुकाएं हैं सर जी। जी वो तो जैसा भी डिजाइन हम इसके अंदर प्लांटेशन करेंगे उसी प्रकार का हमारे को मोती रूप में तैयार करके दे देगा। तो सर इससे आपको कितनी आमदनी हो जाती है और कैसे आमदनी होती है सर? कितने फार्म है आपके? मेरे जिस प्रकार का ये फार्म है ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 फार्म है जी। जी आसपास के लोकल के एरिए में जी। ठीक है सर, वो मेरे यहाँ रिश्तेदार के सगे संबंधियों के यहाँ
हाँ जी सर, आमदनी के बारे में बताएं। रही बात आमदनी की सर, आमदन तो वही, अभी जितने बड़े स्तर पे आप बड़ा काम करोगे उतनी ज़्यादा आमदन हो जाएगी। अगर मान लो हमने 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए तो 2-2.5 लाख की सेल हो जाती है। एक अगर हम 10x10 का टैंक बना के चलते हैं, जैसे कोई नया फार्मर नया काम करेगा, नया भाई कोई काम करेगा जी जी। तो मैं उसको तो यही गाइड करूंगा भी आप छोटे स्तर से काम शुरू करें, कम पूंजी लगाएं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लें, मुनाफा ज़्यादा कमाएं जी। ठीक है सर, जैसे मान लो 60-70 हज़ार रुपये लगा दिए उसने जी, तो 13 महीने बाद उसका जो रिटर्न आएगा 2-2.5 लाख की सेल हो जाएगी उसकी। बिल्कुल, ये इतने एरिया की बात की आपने, ये 10x10 के दो टैंक बनाने पड़ेंगे उसके लिए। 10x10 के एरिया में 2-2.5 लाख की आमदनी हो जाती है। 1000 सीप का। 1000 सीप का। जी हाँ। तो आपका कितने हजार सीप का है सर ये? मेरे पास 24,000 सीप का है टोटल। यहाँ पर ये जो भी आप देख रहे हैं ये 6,000 सीप है यहाँ डाले हुए। 6,000 सीप डाल रखे हैं। जी हाँ, मेरे यहाँ 1000 सीप से सर कितना प्रॉफिट हो जाता है एक साल में? 1000 सीप से वही है, जैसे मान लो आपने 60-70 तो खर्चा ही आ जाएगा, उसके बाद जब हम उसका रिटर्न देखते हैं 2-2.5 लाख का आ जाता है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मोती खेती हो रही है। तो सर जीव के अंदर आप डिज़ाइन फिट कैसे करते हैं? एक सर्जरी की क्रिया होती है जिसको हम सर्जरी बोल देते हैं। जी जी, यानी कि जब सीप मोती तभी बनाएगा जब उसके अंदर बाहर से कोई पार्टिकल रखा जाएगा। जी, जी। सर्जरी के द्वारा हम इसके अंदर छोटा ऑपरेशन करके न्यूक्लियस प्लांट करते हैं। जी जी, उसी न्यूक्लियस को सीप अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। जी, अपनी बॉडी के अंदर लेकर उसके ऊपर लेस्टर चढ़ाना शुरू कर देगा, वही डिजाइन के रूप में हमारे को मोती दे देगा। जी, जी तो सर इस काम में आपको कितना समय हो गया, इसकी शुरुआत कैसे की सर आपने? अभी मेरे को 6 साल लग चुका है। पहले तो हम भी प्राइवेट जॉब करते थे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है जी, हम पहले प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बाद हमने काम शुरू किया, आज बहुत बेहतर स्थिति में है। कितने साल हो गए सर आपको करते? आज 6 साल लग चुका है सर। जो लोग ये कहते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ्रॉडबाजी है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई मोती नहीं लेता, मोती पैदा ही नहीं होता ऐसे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कैसे? मैं तो यही कहूँगा, देखो अधूरा ज्ञान ही आदमी का फैल होने का कारण होता है। जी, अधूरे ज्ञान की वजह से लोग फैल हो जाते हैं जी, तो फिर दूसरों को तो दोष देना ही है। मैं आज भी मोती खरीद रहा हूँ जी, आज भी मोती खरीद रहा हूँ, मेरे पास आज भी व्यापारी है, मेरी खुद की मार्केट है, मैं आज भी मोती लेकर बेचता हूँ जी, जी। अगर किसी के पास सही मोती है तो दीजिए, मैं मोती भी खरीदता हूँ जी। आप खरीदने को तैयार हो उसको? जी हाँ बिल्कुल। अगर किसी का मोती नहीं बिक रहा है तो आपको, आप मोती भी खरीदते हो? मैं मोती भी खरीदता हूँ, मेरे यहाँ से कई फार्मर ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर काम शुरू कर रहे हैं, उनके भी मोती मैं ले रहा हूँ जी। मेरे यहाँ से नहीं भी ट्रेनिंग ली, मैं उनसे भी मोती खरीद रहा हूँ। बस बात यही है, भी मोती के अंदर क्वालिटी होनी जरूरी है। बिल्कुल, कौन से वाले मोती की डिमांड है सर आज के टाइम में? डिजाइनर मोती की जी। डिजाइनर मोती की, जो आपने हमें दिखाए? जी हाँ, जिसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवता, अपने हिंदू धर्म के, इस्लामिक धर्म के, सिख धर्म के, सभी धर्मों के, जो भी धर्म मान लो जैसा भी मोती बनता है उसी प्रकार की बिक्री है जी। जी तो सर इसको कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है? अगर किसी को आमिया स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें? ठीक है सर, इसकी कोई भी है जो भी ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू कर सकता है आदमी जी। जी, बिना ट्रेनिंग के काम नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि सही ज्ञान तो ट्रेनिंग में क्लास में बैठकर ही होता है जी। जी ठीक है जी, ट्रेनिंग लेकर काम शुरू कर लेगा। कितने शीप से स्टार्ट करना चाहिए सर नॉर्मली? देखिए स्टार्टिंग में तो मैं यही गाइड करूंगा भी 1000-1200 सीप ले लें, इससे ज़्यादा पैसा ना फंसाएं जी। जी, 1000-1200 सीप में सर कितना खर्चा आ जाता है? 1000-1200 सीप का जैसे हम प्लांट लगाएंगे वही एक सीप का 45 रुपये खर्च आता है, 45 रुपीज़ जी। और ऐसे आपको टैंक वगैरह बनाने पड़ते हैं? जी हाँ, वो टैंक वैंक बनेगा 20-25 हज़ार में, 2 10x10 के जी, ऐसे टैंक बन जाते हैं। ऐसे टैंक क्यों बना रखे हैं सर आपने ये? ये टैंक इसलिए सही तरीके से, तो देखो कल हमने पानी भी कंट्रोल करना है, अमोनिया को भी कंट्रोल करना है, TDS को भी कंट्रोल करना है, pH को भी कंट्रोल करना है, हमने कोई केमिकल या एसिड वगैरह डाल के इसके अंदर से नहीं कंट्रोल करना, हमने आसान तरीके से जो कुदरती विधि है, पानी को नया पानी डाल देंगे, पुराना पानी निकाल देंगे, उसी तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे जी। कई तो लोग बोलते हैं चूना डाल के हो जाएगा, लेकिन चूना में भी वही बात है, केमिकल तो आ गया ना। बिल्कुल, इसलिए हम कुदरती तरीके से ही इसको काम करेंगे जी, जी। तो ये नाला क्यों बना रखा है आपने, जो नाला बना? ये ड्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है जी, गेट वाल लगे हैं, सेंटर में ड्रेन पॉइंट है। अच्छा, पानी निकालने के जी लिए? जी हाँ, अन्य टैंक में आप देखते हैं यहाँ पर पाइप होता है ड्रेनिंग का, यहाँ पर लगा होता है, लेकिन ये नीचे लगा है जी, ये भी बनाने का तरीका है, इसीलिए इसको बनाया गया है, ताकि हमारा अमोनिया, डस्ट, pH, TDS सब कुछ कंट्रोल हो जाए। ओके 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 ओके।
तो सर आपने बताया कि 4500 रुपए पर उसके हिसाब से खर्चा आ जाता है। जी हाँ। तो सर 1000 से स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ। और कौन सा महीना सबसे सही है सर स्टार्ट करने के लिए, कब से स्टार्ट कर सकता है बंदा? देखिए सर्जरी तो हम कभी भी कर लेंगे, बात वही है। अभी जैसे मान लो सीप को लेना देना हो गया, सीप का आवाजाही हो गई, गर्मी के मौसम में सीप आवाजाही नहीं होती, सर्जरी तो हम कभी भी कर लेंगे। वैसा वातावरण हम तैयार कर लेंगे, कमरे में बैठ जाएंगे, कूलर में बैठ जाएंगे, एसी के आगे बैठ जाएंगे, वो तो चल जाएगा सर। जी जी। लेकिन सही टाइम कौन सा है सर फिर? सही सर्दी का समय सही है, अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो मौसम चल रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल। और सर्जरी का टाइम कभी भी आप कर सकते हो? जी हाँ, कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आपने, ये क्या क्या समस्याएं आती हैं सर, क्यों लोगों का फेल हो जाता है? वही अभी जैसे मान लो किसी का तो पीएच नहीं मेंटेन होता, अमोनिया नहीं मेंटेन होता। कहीं लोग देखो जैसे मान लो हम देखते हैं, अभी कहते हैं जी मैंने टैंक बना लिया, अभी टैंक की वीडियो दिखा, टैंक की वीडियो देखते हैं तो अलग तरीके से टैंक बना हुआ है, उसमें तो कोई कंट्रोल करने का सिस्टम ही नहीं है। जी जी। जब अपना टैंक कंट्रोल करने की स्थिति में होगा जभी तो कंट्रोल कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है जी। तो सर आपने जैसे अपने हर के आसपास कर रखा है, तो गांव में इसको कोई समस्या नहीं है, कोई बदबू वगैरह कोई ऐसी समस्या? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 महीने का पानी हो चुका है, अभी भी कोई गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है। अच्छा, 3 महीने पुराना पानी हो चुका है, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं है, क्योंकि इस जीव के अंदर ब्लड नहीं है। जी। गंदगी कहाँ से होती है? ब्लड से होती है। जी जी। इस जीव के अंदर ब्लड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिना ब्लड के जीव का है। अच्छा। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई मोती आपसे ट्रेनिंग ले लेता है, स्टार्ट कर देता है, तो बेचेगा कहाँ सर वो इतना मोती? बेचने के लिए हम लोग मोती खरीदते हैं, मेरे पास खुद की मार्केट है, मेरे यहाँ बेच सकता है। जी जी। अच्छा, आप भी खुद खरीदते हो? जी हाँ, बिल्कुल। और अदरवाइज उसको बेचना हो तो कहाँ कहाँ पे बिकता है सर ये? सूरत बिकता है, बॉम्बे बिकता है, हैदराबाद बिकता है, अब तो जयपुर में भी बिकने लगा है। अच्छा, बड़े शहरों में बिक जाता है? जी हाँ, जहाँ पर हीरे का कारोबार होता है वहीं पर मोती की खेती होती है सर। ओके ओके। सर इसको बेचने में कोई समस्या तो नहीं आती? कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, किसान की फसल है, विदाउट टैक्स के जाएगी। अच्छा, विदाउट टैक्स है इस पे? हाँ जी हाँ। किसी प्रकार कोई जीएसटी वगैरह कोई ऐसा देने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है सर इसमें, जीएसटी फ्री बिजनेस है ये। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो सर मान के चलो पानी कैसा चाहिए सर इसके लिए? पानी यही है अभी TDS पानी का जो है 300 से 1000 TDS रहे, 7 pH रहे, अमोनिया 0 रहे। अच्छा, ये इसके पैरामीटर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और पढ़ा लिखा बंदा कितना होना चाहिए, क्योंकि सर मेरे को लग रहा है काफी टेक्निकल काम है। आपने नहीं, 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 ऐसा कोई टेक्निकल की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको तो 1-5-4 जमात पढ़ा हुआ जो आदमी लिखना जानता है भी, जो मैंने आपसे बोला उसने लिख लिया, वो आदमी इस काम को कर सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जी। आप कितने पढ़े लिखे हैं सर अंदाजन? हम तो कोई ज्यादा नहीं, मैट्रिक ही है। मैट्रिक ही है जी। तो अगर मैट्रिक जैसे आप जैसे किसान कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं? जी हाँ, सभी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे हो जाती है, जो क्योंकि इंडिया में बर्फीला क्षेत्र भी है, रेतीला क्षेत्र भी है, राजस्थान भी है, अलग अलग क्षेत्र हैं सर जी। देखिए सर, जहाँ पर बर्फ जमती है, पानी के ऊपर परत जम जाती है जी, जी। वहाँ पर नहीं होगा जी। पानी उबले ना और पानी जमे ना जी, जहाँ पर पानी उबल रहा है वहाँ पर भी नहीं होगा। बाकी इंडिया में तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, सिर्फ बर्फ जमने की स्थिति कश्मीर में है, बाकी वहाँ पर अगर वो लोग चाहें तो अपने तरीके से वो कहते हैं भी हमारे यहाँ बर्फ जमने से हम रोक सकते हैं, तो उस तरीके से चलेगा। जैसे पानी को जमने नहीं देना, सर्कुलेशन चल रहा है तो पानी जमेगा ही नहीं जी जी, तो फिर सर्कुलेशन चलता रहेगा तो फिर हो जाएगा वहाँ पर भी काम। अच्छा, वहाँ पर भी हो सकता है जी हाँ। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बंदा इसको कर सकता है जी। तो सर मैं आज जानना चाहता हूँ, तो फिर जो ये सीप है इसको ट्रांसफर कैसे करते हो एक जगह से लेके दूसरी जगह आप? सर वो बेचने वाला जो मछुआरे होते हैं, जो लोग हम जिनसे हम सीप खरीद रहे हैं जी जी, वो तरीका उनका है बेचने का, वो इसको बेहोशी की हालत में कर देंगे, बेहोश कर दिया, जैसे सीप को कोई मेडिसिन या दवाई वगैरह डाल दी सीप बेहोश हो जाएगी जी। अब जैसे सीप बेहोश हो जाएगी तो उसको कहीं पर भी ले जाओ बेहोश करके, तो चाहे हाथी को भी कहीं पहुँचा दो। अच्छा, उनके पास अपना तरीका होता है जी हाँ जी। और सर मोर्टेलिटी कितनी का जाती है? जब आदमी अपनी फार्मिंग करता है 30% के करीब करीब आदमी का इसके सीप के मरने के चांस होते हैं। 30% जी। आपके भी रहते हैं 30% मेरे आज भी हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में कितनी मोर्टेलिटी आई थी सर आपके पास? वही जैसे मान लो मैंने 5000 सीप का काम शुरू किया था, 1500 सीप का खराब हुआ था, बाकी सब रियल रहा 3500 का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे कोरोना का टाइम रहा सर, मार्केट में बहुत सारी समस्याएं रही,
तो इसका भी कोई असर पड़ा है आपके ऊपर? जी नहीं, कोरोना में भी मैं तो देखो कोरोना में मार्केट सब बंद थी, लेकिन उस टाइम भी मैंने अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा करके तीन तीन स्टेट का पास बनवा करके व्यापारी को, व्यापारी के घर में भी मैंने माल दिया है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई सर। जी, तो आपने पीछे शेड बना रखा है, यहाँ पे शेड है नहीं है, ये क्या, इसका क्या रीज़न है सर जी? सर ये जो सिस्टम है ये रनिंग है, पीछे अच्छा। वाला जो सिस्टम है वो स्टोर है, स्टोर आप छाया में भी कर सकते हैं, स्टोर खुले में भी कर सकते हैं। जी जी, वो तो मेरे यहाँ पहले से बना हुआ था, मैंने उसके अंदर स्टोर ही निकाल दिया। जी, तो 25x30 का आपका ये टोटल एरिया है। जी हाँ। और 10x10 के आपके ये टैंक है। जी हाँ, 10x10 के टैंक। और हाइट कितनी है सर टैंक? 3.5 फीट है सर। 3.5 फीट के आसपास हाइट है लेंथ। जी हाँ बिल्कुल। और अर्मी वगैरह से बचाने के लिए आप क्या करते हो सर? ग्रीन नेट वगैरह डाल देते हैं, ऊपर ग्रीन नेट होता है, 75% का ग्रीन नेट आता है, वो डाल देते हैं, 75% ग्रीन नेट। बिल्कुल। तो सर आप ये बताओ, मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर बैठे मतलब कि हर से हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं? आराम से लोगों का, लविश जी का सवाल आ रहा है कि सर ये कहना चाहते हैं कि घर है, घर के आसपास ही आप इसको काम कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी दूसरे शहर में या घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, घर पे भी कर सकते हैं, छत वगैरह पे भी हो सकता है, अगर आपके छत पे स्पेस अच्छा है तो वहां पर भी कर सकते हैं। जी, तो इसको आप अपने घर के आसपास कर सकते हैं। जी हाँ जी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये खेती हो रही है। ये मैं आपको बाहर से भी फार्म दिखाना चाहूंगा एक बार दूसरे तरीके से, देख सकते हैं इधर ये पानी की निकासी का सिस्टम है, और ये पूरा फार्म आप बाहर से देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दूसरी दिशा से भी दिखाना चाहूँगा, तो देख सकते हैं दूसरी दिशा से फार्म कुछ ऐसा है। जी ये देखिए इस तरीके से ये बना रखा है, इसके ऊपर ग्रीन नेट वगैरह डालना होता है, तो इस तरीके से ये खेती हो रही है। ये एलगी कितनी ज़रूरी है सर? ये एलगी जो नीचे जमी हुई है सर, ये नेचुरल तरीके से जो जिसको बोल देते हैं नेचुरलपन, समुद्र में नदियों में देखते हैं हम ऐसे ही एलगी बनी होती है। जी जी, जहाँ पर मोती बनता है जी, इसीलिए नेचुरल तरीके से एलगी बनाई हुई है हमने। अच्छा, ये तो जो खाना हम इसके अंदर डालते हैं ना जी, उस खाने से एलगी बन जाती है सर। जी जी सर जी, दीपेश जी का सवाल आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि ट्रेनिंग का कितना खर्चा होता है और कितने दिन की आप कराते हो? सर 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है, 6,000 रुपये ट्रेनिंग की फीस होती है सर। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है? जी हाँ, रहने के लिए मेरे यहाँ गेस्ट हाउस है, उसमें रुक सकते हैं, वरना पास में होटल भी हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकेंगे तो खाना पीना फ्री है। ओके, रहना खाना फ्री है। बिल्कुल, अब रहना खाना 6,000 के इंक्लूड है? जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ, अगर आप पर्सनल होटल लेके रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं, आपका अपना रहेगा सर। बिल्कुल। अनिल भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि जम्मू में करना चाहते हैं, कैसे करें सर? जम्मू में हो जाएगा जी बिल्कुल, और गुजरात में भी हो जाएगा सर? जी हाँ। अप्पू गुप्ता जी सवाल पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। जी हाँ जी, ट्रेनिंग लेकर आदमी काम कर सकता है कहीं पर भी जी, जी ऑल इंडिया। जी जी, तो सर आप एक बार अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह बता दीजिए, आपसे पूछना चाहते हैं संजीव कंबोज जी, आपका एड्रेस जानना चाहते हैं। मेरा एड्रेस पड़ता है जी, गांव बुहावी है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, ठीक है सर, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में है जी जी। और आपका फ़ोन नंबर सर? 9494-86-85-151। और एक नंबर और है सर आपका? 88-160-43-327। जी, अनिल भारद्वाज जी पूछ रहे हैं सर 10x10 टैंक में कितने शीप्स डाल सकते हैं? 1,000 पीस डाल सकते हैं सर। 1,000 पीस डाल सकते हैं? जी हाँ जी। और सर जानना चाहूंगा, जो आपने कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि आपकी पिछली वीडियोस भी हमने देखी हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2021 में आपको कितना प्रॉफिट हुआ आपके एक फार्म से और बाकी फार्मों से, और 2020 में भी कोरोना रहा तो उसमें भी आप कुछ अंदाजन बताइए। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जो पुरानी वीडियो भी जिन लोगों ने देखी है। जी सर जी सर, देखिए सर, जैसे मान लो पिछली बार में कोरोना की वजह से थोड़ा असर पड़ा है, देखो उस टाइम किसी कोई भी कारोबार है थोड़ा डाउन रहा है उस टाइम में। बिल्कुल, आपको साधन की दिक्कत आई है? जी सर, मार्केट ओपन थी, आने जाने में दिक्कत आई है, मेरे को भी आप बता रहे थे। जी हाँ जी, क्योंकि उसमें यही है ना, फिर हर जगह तो चेकिंग थी, नहीं जाने देते आगे, तो फिर रुकना पड़ता ना सर। जी जी जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट अच्छा है। जी जी, तो सर अंदाजन कितना प्रॉफिट रहा है पिछली बार आप इस फार्म की? पिछली बार में 50, इस फार्म की एवरेज निकालें 25-30 फीट के इस साइज की। जी हाँ सर, ये 25-30 ना जानी है, इसको 6,000 पीस का फार्म जानी है। 6,000 पीस? 6,000 का, ठीक है सर जी। अब 6,000 सीप के फार्म से मेरे को 25 के करीब करीब कमाई हो गई है। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल, तो 25 के आसपास इस छोटे से फार्म से इनकम हुई थी जी। बिल्कुल, और ये फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है
और विमल जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने दिन में तैयार हो जाती है और कितने दिन में इसको हम बेच सकते हैं, क्या हम इसको रोक के भी रख सकते हैं, उनका सवाल है सर। जी हाँ, स्टोर भी कर सकते हैं और 13 महीने की खेती है, 13 महीने में ये फसल रेडी हो जाती है। अच्छा, 13 महीने में ये तैयार हो जाती है, एक साल एक महीना। जी हाँ बिल्कुल, और रोकने के लिए हम इसको जब मर्जी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मोती कोई ख़राब नहीं होता, रियल मोती जो होगा वो कभी ख़राब नहीं होगा, उसको चाहे आप 10 साल बाद बेच लेना, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक ये पूछना चाहते हैं, इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट रहता है? प्रॉफिट तो वही है, जैसे मान लो आपने 60-70 हज़ार लगाए सर, आपका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, कई लोग बोल देते हैं 10 गुना हो जाता है, 10 गुना नहीं होता, डबल ट्रिपल हो जाता है जी। अच्छा, डबल ट्रिपल हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, आप जितनी इन्वेस्ट करोगे उसका डबल या ट्रिपल हो ट्रिपल सकता हो जाएगा सर। अगर आपको मार्केट में सभी चीज़ें सही रहती हैं तो ट्रिपल हो जाएगा, नहीं डबल तो हो ही जाएगा। नहीं हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है सर। फिर भी मैं किसानों से यही कहूँगा, अभी आप डबल का मार्जिन रख के चलिए, डबल मार्जिन, ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो सर कुछ साथी राजस्थान से बिहार से पूछ रहे हैं, वहाँ पर भी हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा जी, ऑल इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं सर। जी जी, तो देख सकते हैं इसको आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें लोगों का फेल कहाँ पे होता है सर? हाँ जी, फेल कहाँ पे हो जाता है सर लोग? फेल तो अधूरा ज्ञान है, कोई भी काम कर लो आप, अगर उस काम की जानकारी पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर तो फेल होने के कारण ही है जी। किशोर कुमार जी पूछ रहे हैं सर, किशोर पटेल जी, कि खाना क्या 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 डालते हो आप शीप को? खाना तो वही है, कैल्शियम वगैरह दिया जाता है भैया, 06 प्लैंकटन हो गया, बाकी अपना घर में जो खाना बनता है वो भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताया जाता है, दिखाया जाता है। अंदाजन मोटा मोटा क्या डालते हो सर? कैल्शियम डालते हैं सर, कैल्शियम मेन है। हाँ, वो कैल्शियम डालते हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा ना हो, कई लोग फैल हो जाते हैं, फास्फोरस वाली कैल्शियम डाल देते हैं तो उसमें फिर नुकसान हो जाता है फास्फोरस से। बिल्कुल, तो जो शीप है सर, ये जो ये कहाँ से आती है सर? ये शीप तो जितना भी तटीय क्षेत्र है सर जी, सब वहाँ से आती है, जैसे तेलंगाना हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, जो समुद्र के पास पास का क्षेत्र है वहाँ से शीप आती है। जहाँ नदियाँ समुद्र के अंदर गिरती हैं, मीठे पानी की नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, वहाँ से शीप निकलता है सर ये। जी जी सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि साल में कई लोग दो दो बार भी शीप ले लेते हैं, दो साल में दो बार भी मोती तैयार कर लेते हैं, क्या वो सच है या नहीं है? नहीं सर, एक सीप से 13 महीने का समय तो लगेगा जी, बाकी रही बात आपकी हर मंथ की, वो तो अपना सिस्टम बनाइए, एक एक बार में एक 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 टैंक एक मंथ में डाल दिए, अगले मंथ में दूसरा टैंक डाल दीजिए, 12 महीने भी फसल आती रहेगी जी। तो 12 टैंक बना लीजिए, हर महीने एक टैंक डालते रहिए, आपका रिटर्न भी उसी हिसाब से आएगा जी। एक शीप से सर कितने मोती तैयार हो सकते हैं? जो डिजाइनर मोती 2 होंगे और जो राउंड मोती है वो 1 तैयार होगा, उसको बनने में 3.5 साल लगेंगे जी। जी तो सर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मोती हमें जो दिखा रहे थे उसमें से अच्छी क्वालिटी का, लो क्वालिटी का कैसे पता चलेगा? वो सब कुछ मेरे यहाँ जब आते हैं मैं सब कुछ दिखा देते हैं, सिखा के भेजते हैं आपको, 80 वाले का भी दिखाएंगे, 150 वाला भी दिखाएंगे, 300 वाला भी दिखाएंगे। अच्छा, जो 80 से लेकर 300 रुपए तक बिकता है? जी हाँ, जैसी क्वालिटी होगी वैसा प्राइस होगा। बिल्कुल, तो कुछ साथी नेपाल से पूछ रहे हैं, तो नेपाल से भी आप आपके यहाँ पर आके सीख सकते हैं सर? जी हाँ सीख सकते हैं, नेपाल में भी हो जाएगा? हो जाएगा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरे का पूरा आपने फार्म देखा, और आपको एक बार फिर से मोती यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ये अलग अलग मोती है, बिल्कुल पास से आप देख सकते हैं, ये सभी अलग अलग हैं, देख लो ये देखिए, सभी का रेट भी अलग अलग है, अलग अलग धार्मिक डिजाइनर चिन्ह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी देख सकते हैं आप, सभी धर्मों के आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये क्रिश्चियन वाला भी आप देख सकते हैं, अभी इसमें से मोती निकाला नहीं है, ये जीव होता है, ये देखिए आगे पेंडल बनेगा, आगे इसका इसकी कटिंग होगी जी जी। तो सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ पर पानी खारा है सर, वहाँ पर हो जाएगा? हाँ, पानी का TDS का लेवल चेक कर लीजिए जी, जैसे मान लो पानी का TDS है 300 से 1000 है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खारे का तो मीठे का तो कोई चक्कर नहीं, अगर आपके पानी का लेवल TDS 7 है, ये pH लेवल जो है 7 है और TDS 300 से 1000 है, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? जी हाँ बिल्कुल। तो सर आपने बांस क्यों लगा रखे हैं? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि बांस क्यों लगा रखे हैं आपने, इसके क्यों उसको? सर एक तो देखो, अगर हम लोहे का पाइप लगाते तो उस पर जंग लगता है सर जी, और फिर ये जो हमने तार वार बांध रखी है उसमें करंट वगैरह का चक्कर रहता है जी, बांस एक ऐसी लकड़ी है जो आज भी टूटेगी तो पहले मालिक को पता लग जाएगा, झुक जाएगा बांस।
बिल्कुल एकदम से टूट के नीचे नहीं गिरेगी जब तक आदमी अपना पूरा इंतजाम कर लेगा। जी एलेक्स रोशन जी पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में हो सकता है क्या? आपके फार्म बताओ आपने सर कहाँ कहाँ पे लगवा रखे हैं, उससे अंदाजा आ जाएगा आपको। जी हाँ छत्तीसगढ़ में भी हैं। आपने असम वगैरह में भी लगा रखे हैं? असम में भी है सर। जी जी हरियाणा में भी है? हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। बिल्कुल कई क्षेत्रों में आपने फार्म लगवा? जी हाँ हर स्टेट में है। बिल्कुल तकरीबन हर स्टेट में? मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आज के टाइम में हर स्टेट में से आदमी काम कर रहा है। बिल्कुल तो मुझे यास्मीन जी पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं सर, पाकिस्तान में हो तो सकता है ये, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ जानकारी है सर? सर देखिए यहाँ की गवर्नमेंट अगर उनको यहाँ अलाउड करती है तो फिर तो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर वो भी कर सकते हैं। जी जी सीप तो वहाँ पर भी है, वातावरण तो ऐसा ही पाकिस्तान का है, ऐसा इंडिया का है। जी बिल्कुल। तो सर कुछ लोग पूछ रहे हैं जो शीप होती है हमारा मोती बन जाता है उसके बाद हम शीप का भी कुछ और बना सकते हैं, बिक सकता है वो भी क्या? हाँ जैसे आर्टिफिशियल झूमर वगैरह बन जाते हैं सर उसमें। अच्छा। काम आती है जी, वैसे जी। हम तो जो मोती सीप बेचेंगे जो किसान जो फार्मिंग करेगा वो तो सीप सहित ही मोती बेचेगा, बॉडी सहित जाएगी। बिल्कुल। तो शिवम जी हम आपको बताना चाहते हैं ये जो फार्म है अंबाला के पास में ही है, केशव जी पूछ रहे हैं सर जी सर ये क्या है समझे नहीं आया, उनको समझ में नहीं आ रहा सर थोड़ा सा आप बता दें, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये शीप नाम का जीव है, ये देखिए आप, ये शीप नाम का जीव है सर, उधर से दिखा दीजिए, ये शीप नाम का जीव है, ये देखिए केशव जी, देखिए ये, देखिए केशव जी, ये है समुद्र का जीव जिसको बोलते हैं सीप, नदियों में बड़ी बड़ी महानदियों में मिलता है। जी जी ये देखिए जी, इस शीप के अंदर फिर मोती फिट किया जाता है, एक डिजाइन फिट किया जाता है इसके अंदर। यहाँ से मुंह है इसका, जब ये अपनी इच्छा से सर्जरी के लिए तैयार होगा तब हम इसकी सर्जरी करेंगे, जब सर्जरी कर देंगे 13 महीने बाद हमारे को ये मोती के रूप में मोती तैयार करके दे देगा। अच्छा ये है सर सुच्चा मोती जिसको बोलते हैं, सुच्चा मोती जिसको बोलते हैं देसी भाषा में सुच्चा मोती बोल देते हैं, वैसे मार्केट में परल बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो पूरे भारत में ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो वहाँ पर ये इसकी खेती आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसको, आप पूरी गारंटी देते हो कि कामयाब है बंदा अगर इसमें मेहनत करे आपके हिसाब से, आपकी ट्रेनिंग लेके स्टार्ट करे? जी हाँ मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा भी अपना छोटे स्तर से काम शुरू करने को, जरूरी नहीं है पहली बार में बड़ा करें, देखो इंसान का जीवन ही सीखने के लिए होता है, वैसे तो हर दिन इंसान नया सीखता है, एक बार सीखने के बाद अपना उसके बाद चाहे आप जितना बड़ा मर्जी कर लें। जी पहला साल तो आदमी का सीखने का ही होता है सर। जी पहले साल को आपको उसकी गतिविधि का पता लग जाएगा, इसीलिए मैं 1000 बता रहा हूँ। जी एक 10x10 के टैंक में 1000 डालिए, मैंने यहाँ ज़्यादा संख्या में डाली होंगी, मैंने यहाँ ज़्यादा संख्या में इसलिए डाली है मेरा अनुभव हो चुका है, मेरा प्रैक्टिकल हो चुका है, इसलिए मैंने अपने फार्म पर ज़्यादा संख्या में डाली हुई है। नया फार्मर तो 10x10 के टैंक में 1000 सीप डाल के चलेगा। बिल्कुल पहला साल तो सीखना ही है। बिल्कुल पहले साल आप सीखें, 1000 से शुरू करें, सर से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं पूरी, सर है इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट से आपको सर का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस फ़ोन नंबर सभी चीज़ें मिल जाएंगी, उस पर आप संपर्क करके सर से डिटेल में सभी चीज़ें जान सकते हैं। तो दोस्तों बाकी की जिम्मेवारी आपके भरोसे, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, लाइक दबाकर करें ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुँचे। हम जो इतनी दूर घूमते हैं और आपको सारी जानकारियां देते हैं, हमारी भी खुशी होती है कि सारी जानकारियां लाखों किसानों तक पहुंचे, और सारी जिम्मेदारी से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग अब तक ऐसी धमाकेदार और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को भैया आप फॉलो कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना एक नई से नई टेक्नोलॉजी नई से नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप भी फॉलो करें, अपने रिश्तेदारों से भी फॉलो कराएं, व्हाट्सएप ग्रुपों में फेसबुक ग्रुपों में जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करें, हमें सिर्फ आपसे शेयर चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।